बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। इन लोगों का जन्मदिन 16 जनवरी को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के इस साल में काफी दिक्कतें हो सकती हैं, करियर में उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन धन की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी और अगस्त के महीने से आपकी स्थितियां काफी बेहतर हो जाएंगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है, राहु की वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या उपाय करें कि आपके जीवन में दिक्कतें ना हो? देखिए, नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए, बहुत जरूरी है। सफेद चंदन का तिलक लगाइए, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, सात्विक रहने का प्रयास करिए, राहु का कोई भी दुष्प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगर आपके जीवन में राहु की वजह से अपयश के योग बन रहे हो, क्योंकि राहु अपयश देने में, बदनामी देने में नंबर वन है, अगर राहु की वजह से जिंदगी में अपयश के योग बन रहे हो तो नियमित रूप से अपने गले में तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। अपने गले में तुलसी की माला धारण करिए। राहु की वजह से अगर अपयश के योग हैं जिंदगी में तो वो योग भंग हो जाएंगे।